नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। काम दमदार योगी सरकार, जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमगढ़ अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाएं। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी श्रीकृष्ण गौशाला पहाड़पुर में गोपाष्टमी पर्व पर गौ पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें गौ पूजन के साथ साथ हवन पूजा, भजन कीर्तन व प्रसाद का वितरण के साथ साथ कार्यक्रम हुआ, जिसमें प्रातःकाल से ही भारी संख्या में महिलाएं पुरुष गौ पूजन करने गौशाला प्रांगण में अनवरत आ रहे हैं। कार्यक्रम में अनूप अग्रवाल अध्यक्ष, मनोज खैतान मंत्री, अशोक रूंगटा कोषाध्यक्ष, अजय अग्रवाल उपाध्यक्ष, कल्पनाथ सिंह आदि भारी संख्या में लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। आजमगढ़ में भारत सरकार की टीम आजमगढ़ जिले में विद्यालय का निरीक्षण करने के लिए आई हुई है। इसे देखते हुए अधिकारीगण की देखरेख में सफाई कर्मचारियों द्वारा विद्यालय के दोनों रोड के पटरी घास की सफाई करते हुए झाड़ू लगाते जिला पंचायत राज अधिकारी लालजी दुबे के आदेश क्रम में ग्राम पंचायतों में साफ सफाई की जा रही है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए सहायक विकास अधिकारी पंचायत लालजी राय की देखरेख में ग्राम पंचायतों में साफ सफाई किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। ग्राम पंचायत अधिकारी सुभाष सरोज की देखरेख में कार्य किया जा रहा है। गुलाब चौरसिया मीडिया प्रभारी द्वारा बताया गया है कि भारत सरकार की टीम आज विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे और साफ सफाई का भी निरीक्षण किया जाएगा। विद्यालय के आसपास साफ सफाई करते हुए लोगों को जागरूक किया गया। आज के सफाई अभियान में 12 नवंबर को संचार रोग को देखते हुए ग्राम पंचायतों में भी साफ सफाई किया जा रहा है। ग्राम पंचायत बाग लखराव, ग्राम पंचायत एक रामपुर का निरीक्षण होना है। इसे देखते हुए आज के सफाई अभियान में मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया, अभय चौहान, सुनील कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। आजमगढ़ में कि अतरौलिया से खबर है, जहां आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा खंड के संचालक रहे स्वर्गीय सरजू प्रसाद श्रीवास्तव के त्रिदाह संस्कार में पहुंचकर लोगों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। बता दें कि स्वर्गीय सरजू प्रसाद श्रीवास्तव का जन्म क्षेत्र के शेखपुरा में किसान परिवार में हुआ था तथा एक शिक्षक के रूप में इन्होंने पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया में 1973 से 93 तक अपनी महत्वपूर्ण सेवा दी। सरयू प्रसाद आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता तथा वर्तमान में खंड के संचालक रहे, साथ ही साथ अतरौलिया के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत भी रहे। लगभग 92 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। गांधी जी की हत्या के बाद संघ पर प्रतिबंध लगा, तब इन्हें जेल भी जाना पड़ा तथा यहाँ यह बाल स्वयं सेवक भी थे। अयोध्या आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इनके पास एक संतान वसंत श्रीवास्तव हैं, जो एक विद्यालय के प्रबंधक हैं। सरजू प्रसाद की पत्नी का देहांत 1999 में हो गया था। आज सुनाते हैं कि डॉक्टर हरिसेवक पांडे आरएसएस जिला संपर्क प्रमुख ने क्या कुछ कहा। आप लोग किसके कार्यक्रम में आए थे, इसके बारे में? आज संघ के एक अच्छे स्वयंसेवक, समर्पित स्वयंसेवक
आदरणीय सरजू प्रसाद श्रीवास्तव जी के त्रयोदशाह कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हम लोग इकट्ठे हुए हैं। श्रीवास्तव जी अपने आप में एक व्यक्तित्व थे और हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत थे। जिस रूपों में हम लोगों ने उनको देखा था, वह अपने आप में एक ऐसे व्यक्तित्व थे जो किसी भी व्यक्ति को बिना प्रभावित किए नहीं रह सकते थे। आज उनका ये कार्यक्रम है, अंत्येष्ट त्रयोदशाह का कार्यक्रम है, हृदय भारी है, मन गदगद है और इस प्रकार से हम लोग श्रद्धांजलि तो अर्पित कर रहे हैं, लेकिन उनके अभाव में मन इतना दुखी है कि जो भाव व्यक्त करना चाहते हैं उनके बारे में वो व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं। सर, एक छोटा सा, ये पेशे से टीचर भी थे काफ़ी साल तक, इसके बारे में थोड़ा उनके जीवन के बारे में बता दें। श्रीवास्तव जी अध्यापक थे, पहले तो उत्तर प्रदेश से बाहर वो बिहार इत्यादि में थे, लेकिन बाद में यहाँ पर जब आए तो पटेल मेमोरियल इंटर कॉलेज अतरौलिया में आप अध्यापक के रूप में सेवा युक्त हुए और एक अच्छे अध्यापक, अनुशासन प्रिय अध्यापक और विद्यार्थियों के साथ न्याय करने वाले अध्यापक के रूप में जितनी प्रतिष्ठा उन्होंने अर्जित की, कम लोगों को वह वैभव प्राप्त होता है। आजमगढ़ की जीएनपुर नगर पंचायत टंडवा बद्धपुर वार्ड नंबर 7 में नालियों की साफ सफाई न होने से पानी का जल जमा हो गया है और नालियां बजबजा रही हैं, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय टंडवा बद्धपुर वार्ड 7 निवासी संतोष मोदनवाल ने बताया कि नालियों की साफ सफाई नहीं होने से लोगों के घरों का पानी सड़कों पर बिखर जाता है, जिससे काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वही जो भी राहगीर गुजरता है, मन ही मन वह नाराज हो जाता है। नगर पंचायत के कर्मचारी इन समस्याओं पर कभी ध्यान नहीं देते हैं, जबकि काफ़ी दिनों से नालियाँ बजबजा रही हैं और तो और नालियों में पानी जमा होने के चलते मच्छरों सहित बीमारियों के फैलने का खतरा बना हुआ है। वैसे के स्थान के पास जल जमा होने जाने से पूजा पाठ करने की भी लोगों को परेशानी होती है, लेकिन नगर पंचायत जैनपुर के कर्मचारियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पानी के जल जमाव के चलते लोगों की आवागमन के साथ घरों में रहने की भी दिक्कत पैदा हो जाती है। महीनों तक पानी जमा हो रहने से लोग बीमार भी हो जाते हैं। वही संबंध में जैनपुर चेयरमैन हरिशंकर यादव से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आगामी गृहमंत्री के आगमन को लेकर सारे कर्मचारियों का कार्यक्रम स्थल पर ही लगाया गया है। जैसे ही वहां से कर्मचारी खाली होते हैं, नालियों की साफ सफाई कर दी जाएगी ताकि किसी को कहीं से कोई समस्या ना हो। जी, मेरा नाम संतोष मदनवाल, मैं तड़वा बद्धपुर वार्ड नंबर 7 नगर पंचायत जीएनपुर आजमगढ़ का निवासी हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो नाली है, क्या समस्या है आपको नाली से? ये सर, नाली की ये समस्या है कि यहाँ पानी लग जाती है, यहाँ सती का स्थान है, न पूजा करने का जगह है, न कुछ है। इधर थोड़ा कैमरा घुमा के देख लीजिए, और फिर ये देखिए कितनी घास फूस और पानी जम जाता है, महीनों महीनों तक पानी रहता है यहाँ। घर में बच्चे हैं, इसमें सांप जंगली जीव ये सब पानी के घर के आसपास घूमते हैं, साथ में सांप जाते हैं, साथ में हम लोग जाते हैं। बहुत समस्या है सर यहाँ, मतलब कि महीनों डेढ़ डेढ़ महीने तक पानी रुक जाता है। हम लोग इतना इतना पानी में, डेढ़ डेढ़ फुट पानी में चल के जाते हैं, आते हैं। ये यहाँ तक नाला है, उसके बाद यहाँ से बंद है, जाम है। अच्छा, इसकी शिकायत आपने चेयरमैन से की? कहे थे तो उन्होंने आश्वासन दिया है, लेकिन अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो क्या बोले चेयरमैन साहब? कि बजट आएगा तो काम होगा। महोबा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा का समाजवादी कार्यालय महोबा में विश्वकर्मा जनजागरण यात्रा चौपाल कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें विश्वकर्मा समाज के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा ने कहा कि विश्वकर्मा समाज का सम्मान सिर्फ समाजवादी पार्टी में सुरक्षित है। भाजपा सरकार ने भगवान विश्वकर्मा का पूजा दिवस की छुट्टी को निरस्त करके भगवान विश्वकर्मा का अपमान किया है। भाजपा सरकार ने विश्वकर्मा समाज को नौकरी रोजगार अधिकार समान कुछ नहीं दिया, और दिया तो सिर्फ अपमान उपेक्षा महंगाई लाचारी और बेरोजगारी। आज भाजपा सरकार में विश्वकर्मा समाज का एक भी विधायक या मंत्री नहीं है। समाजवादी पार्टी सरकार में रामाश्रय विश्वकर्मा को 2 बार MLC बनाया गया और 2 बार मंत्री बनाया गया और हिस्सेदारी भी दी गई। अब वक्त आ चुका है कि भाजपा सरकार को जड़ से उखाड़ फेंक कर उत्तर प्रदेश के भलाई के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को 2022 विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री बनाए। काम दमदार योगी सरकार, जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग
आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ में भाजपा सदर विधानसभा के नेता व प्रदेश कार्य समिति सदस्य अखिलेश कुमार मिश्र गुड्डू ने 13 नवंबर को आजमबाद में होने वाले कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चक्रपानपुर, पटेहुआ, सोनापुर, सलोक, खलोपुर आदि क्षेत्र में भ्रमण कर जनता से भारी संख्या में कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का आह्वान किया। जनसंपर्क कर रहे श्री मिश्र ने कहा कि किसी भी समाज की प्रगति शिक्षा पर निर्भर होती है। शिक्षा की समाज को नई दिशा देती है। देश व प्रदेश की भाजपा सरकार शिक्षा के क्षेत्र में ऐतिहासिक काम कर रही है। बीते अक्टूबर माह में पीएम नरेंद्र मोदी ने प्रदेश में 175 मेडिकल कॉलेजों का लोकार्पण कर जनता को सौंपा। अब आजमगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय के बनने से जनपद के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय के बनने से जनपद ही नहीं आसपास के जिलों में छात्रों को भी सुविधा होगी और उनके इस समय की बचत होगी, जिसका उपयोग वे अपनी पढ़ाई लिखाई में लगा सकेंगे। इस शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम स्थापित होगा। अब तक जनपद में जो भी विकास कार्य हुए उसमें ज्ञान का मंदिर का शिलान्यास अद्भुत नजारा होगा। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में जिला कांग्रेस कमेटी के सभी पदाधिकारियों, ब्लॉक अध्यक्षों, न्याय पंचायत अध्यक्षों, ग्राम पंचायत अध्यक्षों, फ्रंटल संगठन विभाग के अध्यक्षों की बैठक MAM गर्ल्स पीजी कॉलेज में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव प्रभारी आजमगढ़ जनपद अहमद शमशाद एवं वशिष्ठ अतिथि उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव मनोज कुमार गौतम थे। बैठक का संचालन आर्या प्रसाद सिंह ने किया। इस दौरान आदर्श पार्टी यानी भारत के अल्पसंख्यक विभाग के प्रदेश उपाध्यक्ष मोहम्मद कलामुद्दीन को उनके सैकड़ों समर्थकों के साथ कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई। पदयात्रा की विस्तृत जानकारी देते हुए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव अहमद शमशाद ने कहा, महंगाई को लेकर आम जनता पूरी तरह से हताश और निराश है। लोगों का घर चलना मुश्किल हो गया है। आजमगढ़ में केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा विश्वविद्यालय का उद्घाटन को लेकर भारतीय जनता पार्टी की किसान मोर्चा के प्रदेश महामंत्री घनश्याम पटेल ने भाजपा की उपलब्धियां गिनाई है। उन्होंने कहा है कि विश्वविद्यालय व पूर्वांचल एक्सप्रेस से आने वाले समय में आजमगढ़ की एक पहचान बनेगी और इस तमाम सी बातें कही। सीधे सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा घनश्याम पटेल, प्रदेश महामंत्री भाजपा किसान मोर्चा ने। सर सबसे पहले सर अपना परिचय सर दीजिए। मैं घनश्याम सिंह पटेल प्रदेश महामंत्री हूँ भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा उत्तर प्रदेश में। जी सर, तो सर जिस प्रकार देखा जाए कि जो कि 13 नवंबर को आजमगढ़ में विश्वविद्यालय का जो कि शिलान्यास रखने के लिए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय श्री गृह मंत्री अमित शाह जी आ रहे हैं, सर इनको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए माननीय गृह मंत्री जी आजमगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और मैं कह सकता हूँ कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में आजमगढ़ के विकास की जो योजना बनी है उसकी आधारशिला रखने के लिए और आजमगढ़ के नौजवानों को शिक्षा के क्षेत्र में विकसित और उच्चीकृत शिक्षा के संसाधन उपलब्ध कराने के लिए माननीय गृह मंत्री जी 13 तारीख को विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे और वो विश्वविद्यालय का शिलान्यास केवल शिक्षा के द्वार नहीं खोलेगा बल्कि वो आजमगढ़ के युवाओं के भविष्य के विकास के भी द्वार खोलेगा जहाँ से यहाँ युवा शिक्षा लेकर प्रत्येक क्षेत्र में अपने योगदान को दे सकेगा, चाहे वो तकनीकी क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या औद्योगिक क्षेत्र हो, सब जगह उसके योगदान महत्वपूर्ण हो जाएंगे। सर 2022 को चुनाव को लेकर सर आजमगढ़ में भाजपा ने क्या रणनीति बनाई है सर? देखिए भाजपा की रणनीति आम आदमी तक पहुंचने की होती है
और हम 2022 के चुनाव को लेकर उत्साहित भी हैं। आजमगढ़ में बदलाव भी करेंगे और इस बार का जो चुनाव होगा वो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव होगा। आजमगढ़ में बदलाव होगा। आप देख रहे होंगे लंबे समय से सपा बसपा के ही यहाँ जनप्रतिनिधि चुने जाते रहे, पर आजमगढ़ का युवा हर साल अपेक्षाओं को लेकर वोट करता है और फिर 5 साल बीतते बीतते निराशा उसके हाथ लगती है। ये 2022 का चुनाव भविष्य की संभावनाओं का चुनाव होगा, आजमगढ़ में बदलाव का चुनाव होगा और ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी से जुड़ने का चुनाव होगा। सर, बेरोजगारी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सर देखिए, रोजगार के अवसर तब उपलब्ध होते हैं जब सरकार उस पर सचेत है। योगी जी की सरकार ने उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए छोटे छोटे उपाय से लेकर बड़े बड़े उपाय किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने युवाओं के भविष्य को सुधारने के लिए कौशल विकास की योजना से लेकर मुद्रा योजना तक देकर युवाओं को प्रोत्साहित किया है। भारतीय जनता पार्टी सक्रिय के पूर्व प्रत्याशी पूर्व जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार सिंह ने जैनपुर में पत्र प्रतिनिधियों से वार्ता करते हुए बताया कि आजमगढ़ में देश के गृह मंत्री अमित शाह का आगमन हो रहा है, जो ऐतिहासिक है। आजमगढ़ के लिए विश्वविद्यालय एक बड़ी उपलब्धि है, इससे आजमगढ़ का शैक्षणिक वातावरण और भी निखरेगा। इस कार्यक्रम में सक्रिय व जनपद की समस्त विधानसभाओं से अधिक लोग पहुंचेंगे। उन्होंने सकड़ी के लोगों से अधिक संख्या में पहुंचने की अपील किया। इस अवसर पर रविराज जिला मंत्री जयप्रकाश सिंह सदस्य जिलाकार समिति सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। ये जनपद का सौभाग्य है कि जनपद को राज्य विश्वविद्यालय मिला है, और दूसरा बड़ा सौभाग्य ये है कि देश के गृह मंत्री के नाते उस विद्यालय का शिलान्यास करने के लिए माननीय अमित शाह जी कल आजमगढ़ आ रहे हैं। कल माननीय अमित शाह जी देश के प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, देश के उच्च शिक्षा मंत्री उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी सहित तमाम लोग शिलान्यास के अवसर पर आजमगढ़ की धरती पर उपस्थित रहेंगे। ये जनपद का सौभाग्य है। पूरे जनपद में गजब का उत्साह है इस कार्यक्रम को लेकर के। जहाँ तक सगड़ी विधानसभा की आप बात करेंगे तो लगभग हर बूथ से कार्यकर्ता जाने को तैयार है। कार्यकर्ता ही नहीं, आम जन भी अमित शाह को देखने और सुनने के लिए उनके मन में लालसा है, क्योंकि जब आप अमित शाह की बात करते हैं तो अमित शाह एक ऐसे शख्सियत का नाम हो गया है जो असंभव को भी संभव में बदलने की क्षमता रखते हैं। चाहे कश्मीर की धारा 370 हो, चाहे अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो, चाहे देश के ज्वलंत समस्याओं का जैसे चुटकी से समाधान अमित शाह जी करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से जिले की जनता के बीच में अमित शाह को देखने और सुनने के लिए की एक उत्सुकता है और लोगों के में उत्साह है, और लोग भारी से भारी संख्या में आजमबाद यशपालपुर पहुंचने का काम करेंगे। मेरा सगड़ी विधानसभा के निवासियों से आग्रह है कि आप भी इस कार्यक्रम में भागी बने, आप भी उस कार्यक्रम में पहुंच करके अमित शाह जी को सुने। शिलान्यास के अवसर पर आप भी भागी बने, बड़ी से बड़ी संख्या में आप यशपालपुर आजमबाद पहुंचने की कृपा करें। आजमगढ़ में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर AK बनर्जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री द्वारा व्यापारियों को सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से अधिकाधिक व्यापारियों को GST में पंजीयन कराने का निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में दिनांक 8 नवंबर 2021 से वाणिज्य कर विभाग के अधिकारियों द्वारा पंजीयन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों द्वारा जनपद आजमगढ़ के विभिन्न कस्बों में जाकर विभिन्न गोष्ठी के माध्यम से GST पंजीयन के लाभ एवं मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के लाभों से अवगत कराया गया तथा पंजीयन योग्य अपंजीकृत व्यापारियों को पंजीयन कराए जाने हेतु प्रेरित किया जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा बताया गया कि अगर कोई भी व्यापारी GST में पंजीयन लेना चाहता है तो वाणिज्य कर विभाग राहुल नगर मड़िया आजमगढ़ में हेल्प डेस्क पर अपने समस्त प्रमाण पत्रों के साथ उपस्थित होकर निःशुल्क पंजीयन करा सकते हैं। आजमगढ़ के अतरौलिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा छात्रसभा की बैठक हुई। समाजवादी पार्टी कार्यालय पर छात्र संघ की एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सपा महासचिव बलराम यादव रहे तथा विशिष्ट अतिथि विधायक डॉक्टर संग्राम यादव व सुभाष चंद्र जायसवाल रहे। संचालन आशीष यादव ने किया, अध्यक्षता शरण यादव ने की। विधायक संग्राम यादव द्वारा आए हुए छात्र व नौजवानों को माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बैठक में 2022 चुनाव को लेकर युवाओं के साथ चर्चा की गई, जिसमें बेरोजगारी महंगाई पर चर्चा हुई। बैठक को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि बलराम यादव ने कहा
कि इस शानदार बैठक के लिए सभी युवा छात्र सभा के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूं। समाजवादी पार्टी का उद्देश्य समता और समानता के उद्देश्य के साथ इसका गठन हुआ था और अखिलेश ने अच्छे कार्यों को करके दिखाया था। आज की परिस्थितियां कुछ अलग हो गई हैं। छात्र सभा द्वारा आयोजित यह पहली बैठक है, इसलिए यह बैठक बहुत ही शुभ होगी। आज सुनाते हैं कि विशिष्ट अतिथि डॉक्टर संग्राम यादव क्षेत्रीय विधायक ने क्या कुछ कहा। कर्मचारी संगठन है, जब उनकी रिपोर्ट आ गई कि वहाँ कोई भीड़ नहीं होनी है तो आनंद फानंद में कर्मचारियों को लगाया गया और प्रधानों के ऊपर प्रेशर डेवलप किया गया कि उनकी मीटिंग में चला, उनकी मीटिंग में कौन जा रहा है, उनकी सारी मीटिंगें फ्लॉप है। भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और अखिलेश यादव 16 तारीख को उसी गाजीपुर के एक्सप्रेस वे पर चढ़ेंगे और सीधे सीधे योगी को चुनौती देने का काम करेंगे और आजमगढ़ में वो 16 तारीख की रात रुकेंगे भी और फिर जगह जगह स्वागत होगा। हम लोग खुद फुलौरिया में पहुंच करके उनका स्वागत करेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी का शटर ओम प्रकाश राजभर ने बंद कर दिया, अब बचा कुचा है किसान आंदोलन पूरी तौर पर बंद कर देगा। अब कुछ बचा नहीं है भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने नौजवानों को ठगा, किसानों को ठगा, अगड़े पिछड़े दलित सबको ठगा। तो भारतीय जनता पार्टी किसी की तैसी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर आप अपने चैनल पर दिखा पाओ तो दिखाओ कि अडानी की समर्थक है, अंबानी की समर्थक है। भारत की रेल अडानी के हाथों बेच दिया, भारत के हवाई अड्डे अडानी के हाथ बेच दिया, कहती है नौकरी देंगे। जब सारे सरकारी संस्थाओं को बेच दिया तो नौकरी कहाँ दोगे। अब कृषि अध्यादेश ला करके अडानी के हाथ देश की कृषि को भी बेचने का षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने एक भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का विश्वविद्यालय देश में नहीं बनाया। चिल्ला कहते थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर विश्वविद्यालय बनाएं, और जो विश्वविद्यालय थे उस विश्वविद्यालय को भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बर्बाद कर दिया। तो भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय, अब भारतीय जनता पार्टी कहीं भी उत्तर प्रदेश की सत्ता में आने वाली नहीं है। और लाख बाबा इस डाल सु डाल कूद लें, बाबा को वापस मठ में जाना है। काम दमदार योगी सरकार। जनपद आजमगढ़ नौजवानों की बहुप्रतीक्षित मांग, आजमगढ़ में एक विश्वविद्यालय होना चाहिए को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने नौजवानों की मांग पर आजमगढ़ को एक राज्य विश्वविद्यालय देने का काम किया था, जिसका शिलान्यास कल दिनांक 13 नवंबर दिन में 11 बजे आजमबाद अस्पालपुर में देश के यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी द्वारा एवं देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज के कर कमलों द्वारा संपन्न होगा। आप लोगों से अपील है, विशेष करके नौजवानों से, कि कल दिन में 11 बजे आजमगढ़ अस्पालपुर पहुंचे और शिलान्यास कार्यक्रम में विशाल जनसभा जो आयोजित है उसको सफल बनाए। यही निवेदन करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आजमगढ़ के विकासखंड अजमतगढ़ के क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने ब्लॉक मुख्यालय पर 9 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया और एडीओ पंचायत को ज्ञापन सौंपकर अन्य जनप्रतिनिधियों की तरह ही क्षेत्र पंचायत विकास निधि और सम्मानजनक मानदेय की मांग की गई। प्रधान क्षेत्र पंचायत महासंघ उत्तर प्रदेश के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला के आह्वान पर शुक्रवार को दर्जनों क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने अजमतगढ़ ब्लॉक मुख्यालय परिसर में प्रदर्शन किया। वीडियो की अनुपस्थिति में एडीओ पंचायत रमेश शुक्ला को मांगों का पत्र सौंपा। पत्रक में क्षेत्र पंचायत सदस्यों ने मांग की है कि बीडीसी सदस्यों को भी अन्य जनप्रतिनिधियों की भांति अधिकार और विकास, 5 लाख का मानदेय, परिवार को सुरक्षा सहित देश सभी मांगों को माना जाना चाहिए। इस दौरान अजेंद्र प्रताप सिंह, अभिषेक सिंह, तेज नारायण, अमित यादव, शिवप्रसाद यादव, हरेंद्र चौहान, जोगेंद्र सहित तमाम बीडीसी सदस्य उपस्थित रहे। क्या कुछ कहा तेज नारायण सिंह ने और शिवप्रसाद यादव ने, आपको सुनवाते हैं। क्या नाम है आपका? तेज नारायण सिंह, ग्राम पंचायत अमुआरी नारायणपुर, ब्लॉक अजमतगढ़, जिस ब्लॉक मुख्यालय पर हम लोग उपस्थित हैं। और पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन चल रहा है बीडीसी सदस्यों का। जिस प्रकार से हम लोग जीत कर आते हैं, प्रधान के साथ हम लोग भी चुनाव जीत कर आते हैं और किसी भी तरह का कार्य हमें कराने के लिए कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा बार बार तंग किया जाता है, यहाँ तक कि किसी भी कार्य के लिए हम जाते हैं सिग्नेचर करने से मना कर दिया जाता है। और इस प्रकार तमाम मांगे हैं, जैसे कि 10 लाख प्रतिवर्ष 10 लाख तक जो है विकास निधि होनी चाहिए हमारी, और
ग्राम पंचायत के अंदर जो कृषि संबंधित कार्य मनरेगा जैसे निजी पोखरी समतलीकरण, ये भी जो है बीडीसी सदस्यों के अधिकार क्षेत्र में दिया जाए। और मांगे जो है जैसे 5,000 मानदेय और अन्य जो भी अन्य प्रतिनिधियों को जो सुविधाएं मिलती हैं, जो कुछ भी अधिकार प्राप्त हैं, प्रधान की तरह ही पूरे अधिकार हमें भी प्राप्त होने चाहिए अपने ग्राम पंचायत के अंदर। यदि नहीं, एक बार लाइन ये भी बोली, नहीं प्राप्त होते हैं तो सरकार, यदि जो है क्षेत्र पंचायत सदस्यों को ये सब अधिकार नहीं मिलता है तो हमें रद्द कर दिया जाए, हमारा चुनाव रद्द कर दिया जाए, इस्तीफा ले लिया जाए। 15 तारीख को जिला मुख्यालय पर पूरे प्रदेश के 75 जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन होगा और डीएम के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। 16 तारीख तक सरकार कुछ न कुछ अगर करती है तो ठीक है, 17 को हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे 17 तारीख को। जी शिवप्रसाद यादव, पत्नी गायत्री यादव। अच्छा, आप लोगों के द्वारा किस तरह का प्रदर्शन किया गया? ये हम लोगों के द्वारा जो है माननीय नवनीत शुक्ला राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में और प्रमुख जी के नेतृत्व में ये प्रदर्शन किया जा रहा है कि हमें जो है प्रधान और सेक्रेटरी के द्वारा मुक्ति दिलाई जाए। हमारी स्थिति जो है फुटबॉल के गेंद की तरह की हो गई है। जब हम प्रधान जी के यहाँ जाते हैं तो अरे सेक्रेटरी के यहाँ जाते हैं तो वो कहते हैं प्रधान से आप कार्यवाही और कार्य योजना लाइए, प्रधान कहता है कि आपको प्रमुख जी काम देंगे। तो हमारी स्थिति फुटबॉल की गेंद की तरह से हो गई, हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो इस स्वाभिमान को बचाने के लिए राष्ट्रीय स्वाभिमान सुरक्षा जो है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत शुक्ला जी के कार्य में नेतृत्व में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमारे स्वाभिमान के साथ खिलवाड़ ना हो, हम प्रधान और सेक्रेटरी से मुक्त हों। क्या क्या मांग है आपको? मांग हमारी है कि प्रति वर्ष जो है 10,00,000 रुपये की निधि और 5,000 रुपये मानदेय दिया जाए हमको। मांग नहीं पूरी होगी तो धरना रुकने वाला नहीं है, प्रदेश स्तर से देशव्यापी तक प्रदर्शन होगा और न रुकेंगे न झुकेंगे न टूटेंगे। अगर मंजिल, अगर हौसले बुलंद है तो हर मंजिल आसान है। बलरामपुर में कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री सलमान खुर्शीद के द्वारा लिखी गई किताब सनराइज ओवर अयोध्या नेशनहुड इन अवर टाइम्स के कुछ पन्नों में विवादित लेख से हिंदू जनमानस में उबाला गया है। अपने लेख के माध्यम से सलमान खुर्शीद ने हिंदू संगठनों, साधु संतों तथा सनातन धर्म मानने वाले की तुलना ISIS तथा बोको हरम जैसे आतंकी संगठन से कर दिया है। इसी प्रकरण को लेकर आक्रोशित विश्व हिंदू महासंघ के तमाम कार्यकर्ताओं ने सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए उनके पुतले पर जमकर जूता चप्पल की बरसात करने के बाद आग लगाकर अपना आक्रोश व्यक्त किया। इसके बाद जिलाध्यक्ष गंगा शर्मा की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपते हुए कहा कि हिंदू धर्म एवं समाज पर आघात पहुंचाने वाले कांग्रेसी नेता सलमान खुर्शीद पर तुरंत मुकदमा दर्ज करते हुए कठोर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा हिंदू समाज उनके खिलाफ एक बड़ा जन आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा। सलमान खुर्शीद जी का जो पुस्तक निकला है अयोध्या के ऊपर, इतना आपत्तिजनक उसमें हिंदुओं और हिंदू संगठनों के ऊपर लिखा गया है कि जितनी भी निंदा उसकी की जाए वो कम है। बोको हरम, ISI जैसे आतंकी संगठनों से इनकी तुलना कर दी गई, क्या यह जायज है? हिंदू हमेशा सहिष्णु रहा है, सबको आश्रय दिया है, उसने सभी को अपना माना है। सर्वे भवन्ति सुखना की परिपाटी रही है हिंदुओं की, न कभी किसी आतंकी कार्य में वो संलिप्त थे और ना ही हैं। इस तरह का बयान सलमान खुर्शीद जी का वो अत्यंत निंदनीय है। हम राष्ट्रपति जी के माध्यम से ये चाहेंगे कि वो इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और उस पुस्तक पर बैन लगाएं। जय श्री राम।